अमेरिका के बैन के बावजूद भारत और ईरान के बीच कारोबार बिना रुकावट के जारी है। भारत और ईरान में रुपए में लेन देन के लिए समझौता हुआ था। ईरान से भारत कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से भारत को डॉलर में पेमेंट करनी होती है, लेकिन ईरान को रुपए में ही पेमेंट कर रहा है। अमेरिकी बैन की वजह से ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया है। खाने पीने के सामान की ईरान में कोई कमी ना हो, इसके लिए ईरान अब भारत से तेल के बदले चावल लेगा, यानी भारत और ईरान बार्टर सिस्टम के तहत लेन देन करेंगे, सामान के बदले सामान में लेन देन करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत कच्चे तेल की कीमत रुपए की जगह चावल के रूप में अदा करेगा। पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाया था। बैन की वजह से ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया, लेकिन अमेरिका ने भारत समेत 7 देशों को बैन से बाहर रखा था। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने वाले देशों में भारत टॉप पर है। सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला के साथ ईरान से भारत कच्चा तेल खरीदता है। कुल आयात का 10-12% हिस्सा भारत ईरान से खरीदता है। पिछले साल भारत ने ईरान से करीब $7 अरब के कच्चे तेल का आयात किया था। इसके अलावा भारत ईरान से बड़ी मात्रा में खेती के लिए फर्टिलाइजर भी आयात करता है। भारत बासमती चावल के उत्पादन का 40% एक्सपोर्ट करता है। चावल निर्यात किए जाने वाले देशों में ईरान टॉप देशों में है। भारत ने साल 2017 से 18 में ईरान को करीब 6000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया था। इस सब के बीच कच्चे तेल के बदले चावल देने की डील भारत के लिए फायदे का सौदा है। इससे भारत के CAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से रुपये को मजबूती मिलेगी।